लेकर आज आप लोग सब जगदलपुर पहुंचे हैं। मैं तुलाराम कश्यप जनपद सदस्य दरबार से हूँ, क्षेत्र क्रमांक 3 से। ये मेरे साथ जो खड़े हैं ये आदिवासी महिलाएं और ये पूरे मेरे भाई लोग मेरे क्षेत्र वाले हैं। बीते दिन क्या हुआ, 26 तारीख को मेरे क्षेत्र के जो युवा हैं उन लोग ना जगदलपुर से घर जा रहे थे, इनके साथ ना रास्ते में रोककर सेठिया लोग हमारे पंचायत में आते हैं, सेठिया पारे परिवार के, उन लोग द्वारा इनको मारपीट किया गया। उस वक्त ना वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते दिन माने कुछ दिन पहले हमारे ग्रामीण के जितने गरीब महिलाएं हैं इन्होंने उचित मूल्य दुकान में जो कार्यरत किरण सेठिया जी हैं वहाँ पे दुकान चला रहे हैं, उन्होंने हमारे गरीब महिलाओं के ऊपर राशन कार्ड फेंकने का इल्ज़ाम और दूसरा मिट्टी तेल को बाहर सप्लाई करने का इल्ज़ाम आया था। तो उस बात को लेकर मेरे पास शिकायत की, तो मैंने जाके उचित मूल्य दुकान में किरण सेठिया को पूछा कि तुम्हारा शिकायत आया कैसे कर रहे बोलने सुनने। उन्होंने मेरे को माँ बहन का गाली देकर तुम्हारे पास खेत कल्याण कुछ नहीं है, तुम लोग आदिवासी लोग क्या करोगे, तुम राशन दुकान चलाओ, ऐसा कहकर उन्होंने अभद्र रूप से मेरे साथ व्यवहार किया। जिस पर मेरे गरीब परिवार जितने भी आदिवासी महिलाएं भाई थे सब वहां पे मौजूद थे, इस बात को लेकर उन्होंने विवाद शुरू किया। और एक दिन कुछ दिन पहले मैं जगदलपुर से हीराराम मौर्य के साथ जाकर ना हीराराम मौर्य के घर में खाना खा रहे थे, उस वक्त किरण सेठिया, तलेश सेठिया और बाबूराम सेठिया उधर से आ रहे थे। उस वक्त हम लोग गली में खड़े थे, क्या कर रहे हो बोल के तलेश सेठिया द्वारा पूछा गया, तो मैंने कहा पार्टी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम साले लोग आदिवासी लोग पार्टी कर रहे हो बे, जनपद में जीत कैसा अभद्र रूप से हमारे साथ व्यवहार करके मुर्गा बाजार में बुला के हमारे साथ पूरे गांव के बीच में मेरे साथ जाति पाति मुरिया साले महाराज जाति के माने तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, तुमको जहाँ देखने से वहाँ मार देंगे, तुम हमारे साथ क्या वो करोगे मुकाबला करोगे, ऐसा कह कर उन्होंने पूरे गांव के सामने प्रदर्शित किया। उस वक्त मेरे गांव के बहुत लोग मौजूद थे जिससे मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई है। उसको मैं कार्रवाई करने के लिए मैं पब्लिक को मैंने सपोर्ट किया, इसलिए उन लोगों ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर मेरे को जबरन फंसाने का आरोप लगाया है।